हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम एजुकेशनल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, इंग्लिश टीचिंग मेथड्स और भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज़ के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर ग्रेड्स 2 के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और बहुत ही कम समय बचा है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के। इसमें स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस दी जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हर प्रश्न को सेलेक्ट करते हुए बहुत ही ध्यान से उत्तर देना होता है। सबसे पहले इसमें 4 पार्ट्स में सिलेबस होता है। फर्स्ट पार्ट में होता है जैसे कि राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान का भौगोलिक, भूगोल, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कल्चर राजस्थान का, और होता है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये 4 तरीके से। तो इसमें जैसे ज्योग्राफी भूगोल है तो उसमें पूछा जाएगा कि साक्षरता राजस्थान की, और राजस्थान में जितने भी घूमने पर्यटन स्थल है, और राजस्थान की लोकेशन, कृषि संपदा, इस तरीके से। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है तो हिस्ट्री से रिलेटेड जैसे अजमेर के चौहान, गुर्जर प्रतिहार, प्रजामंडल से संबंधित, फ्रीडम स्ट्रगल और पेजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, जो भी जनजाति आंदोलन, और इस तरीके से एक प्रश्न। बहुत सारे वीडियोस इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। इसके साथ में ही पूछा जाएगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में कंप्लीट वो आ जाता है, राजस्थान से संबंधित चाहे लोक देवता और देविया हो, पेंटिंग्स हो, कस्टम्स हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, इससे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पार्ट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 80 नंबर के। उसके बाद में सेकंड पार्ट में पूछा जाता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जो कि पूछी जाती है। इसमें लेटेस्ट डेटा है, इससे आपको हमेशा अपडेट रहना है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, जो मेजर करंट इश्यूज चल रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर तरीके के पुस्तक बुक्स आई हो मार्केट में, न्यू लेटेस्ट किस राइटर की है, जो प्राइज विनर होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार बुक्स का तो एक प्रश्न पूछा जाता है, स्पोर्ट्स के भी पूछे जाते हैं 2-3। उसके बाद में थर्ड जो आता है उसमें आता है, यहाँ तक कवर करते हैं राजस्थान को, उसके बाद में वो कवर करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। उसमें कॉन्टिनेंट्स देख लो, महाद्वीप, महासागर और जितना भी ग्लोबल विंड सिस्टम है उससे रिलेटेड, इंडिया एंड UNO, जितने भी पॉपुलेशन होती है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, संसार और भारत से संबंधित, और ये भी इसमें पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स की। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है, इस जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में जितनी पॉलिटिकल साइंस में जो भी 1919 एक्ट, 1935 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बेसिक। उसके बाद में 4th पार्ट पूछते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं। उसमें भी टॉपिक्स होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी कौन कौन सी थेरीज है, लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इस तरीके के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस पेपर में, पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट सभी स्टूडेंट्स को देना होता है, तो हर पार्ट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए स्टडी करें। और आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।